हाय गाइस, वेलकम टू इंडियन कॉइन टेल्स। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉइन की, जिसे देखकर शायद आपको भी उतना ही अच्छा लगे जितना कि अच्छा मुझे लगने वाला है इस कॉइन को देखकर। तो ये सबसे पहले हम आपको बता दूं कि ये इस तरह के पार्सल में इंडियन गवर्नमेंट मिंट से हमें रिसीव होता है, जिससे जिस पर इस तरह की सील्स लगी होती हैं। आप पीछे इस तरह से इसे देख सकते हैं कि सारी जो जगह पर इसे अच्छे से पैक किया जाता है। उसके अलावा जब आप इसे रिसीव करें, जब भी आप इस तरह के कॉइन्स परचेस करें, तो देख लें कि उनके कॉर्नर कहीं से डैमेज ना हो और ये सील प्रॉपर लगी हो। तो आइए इसे ओपन करते हैं कि इसके अंदर कौन सा कॉइन है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको कुछ हिंट देते जाऊँगा कि देखते हैं इस पैकेज के ओपन होने से पहले, इस पैकेट के ओपन होने से पहले आप ये पहचान पाते हैं कि नहीं कि इसके अंदर कौन सा कॉइन है। तो सबसे पहले मैं आपको पहला हिंट बता दूं कि इसके अंदर जो कॉइन है, जो कोमेमोरेटिव प्रूफ सेट कॉइन है, वो उस व्यक्ति का है जो 1915 में इंडिया आए थे, इंडिया वापस लौट कर आए थे। तो ये रहा पहला हिंट, उसी के साथ हमने इसकी सील्स को ओपन कर लिया है। अब जो लोग हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं शायद वो जान गए होंगे कि मैं किस कॉइन की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा जो लोग अभी भी नहीं समझ पाए हैं कि मैं किस कॉइन की बात कर रहा हूँ, उनके लिए बता दूं एक और हिंट है मेरे पास। और वो हिंट ये है कि इसके अंदर जिस व्यक्ति का कॉइन है, उस कॉइन पर उस व्यक्ति की दो इमेजेस हैं। पहली इमेज है जिसमें कि वो यंग एज के हैं, और दूसरी इमेज है जिसमें कि वो ओल्ड एज के हैं। आई थिंक बहुत सारे लोग अब समझ चुके होंगे कि मैं किस कॉइन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यही कॉइन कॉमन सर्कुलेशन में भी आया था। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप समझ चुके हैं या नहीं। लेकिन 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 रुकिए, अभी जिन लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि मैं किस कॉइन की बात कर रहा हूँ, उनके लिए लास्ट और एक सबसे बड़ा हिंट मैं दे दूँ कि ये कॉइन जिनका है, उनके हाथ में हमेशा एक लाठी हुआ करती थी, और उन्होंने उसका इस्तेमाल कभी किसी को डराने, धमकाने या मारने के लिए नहीं किया। तो आई थिंक अब बहुत सारे लोग समझ चुके हैं कि मैं किस महान व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, जिन पर एक कॉइन बना है, जिन पर एक कोमेमोरेटिव प्रूफ सेट बना है। तो दोस्त, बस थोड़ी ही देर में ये कॉइन हमारे हाथ में होगा, देखते हैं किन लोगों के गेसेस सही हैं। तो गाइज, ये वो कॉइन है जिसे आई थिंक ज्यादातर लोगों ने सही गेस किया होगा, और आपके सामने अब ये हम इस कॉइन को अनबॉक्स करते हैं। और ये रहे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर के 100 साल कंप्लीट होने पर, उसकी शताब्दी पर ये कॉइन बनाया गया था, ये स्मारक सिक्का बनाया गया था। अब इस कॉइन को ओपन करके देखते हैं। तो अंदर से ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये प्रूफ सेट कॉइन है, इसमें दो कॉइन है, एक 100 रुपए का और एक 10 रुपए का। ये आप यहां पर देख सकते हैं, साउथ अफ्रीका से वापसी पर 100 साल कंप्लीट होने पर ये सिक्का बनाया गया। और ये रहे गांधी जी। गांधी जी के दोनों चेहरे, एक यंग एज और एक ओल्ड एज, इसे आप देख सकते हैं। यहां पर 50% सिल्वर है इस बड़े कॉइन में, और बाकी अदर मेटल इसमें मिक्स की गई हैं। और ये जो कॉइन है, ये कॉमन सर्कुलेशन में भी आया था, लेकिन ये प्रूफ सेट है, और इस पर यहाँ नीचे M लिखा होता है, जो कि मुंबई प्रूफ सेट का मार्क है। ये कॉमन सर्कुलेशन के कॉइन्स में M नहीं लिखा जाता, वहाँ पर डायमंड का मार्क होता है। और ये इमेज जो आप देख रहे हैं कॉइन के साथ लगी हुई, इस इमेज में दिखाया गया है कि गांधी जी को साउथ अफ्रीका में ट्रेन से धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया था। और उसी के साथ, इसी इमेज के साथ, इसी इंसिडेंट के साथ ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ कि किस तरह से उसके बाद गांधी जी ने अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के अधिकारों के लिए फाइट की। तो गाइस, ये था गांधी जी का कोमेमोरेटिव कॉइन, जिसे आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगा। देखते रहिए इंडियन कॉइन टेल्स, सुनते रहिए इंडियन कॉइन टेल्स।